हमें सर ये गरकोन गांव से लाए। हमें 17 तारीख को हमें पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से इत्तला मिली कि गरकोन गांव में जो है किसी कौशल में 2 सेनोलेपर्ड घुसे हुए हैं। तो हमारी वाइल्ड लाइफ की टीम यहां से निकल गए हम गरकोन की तरफ, और हमें वहां हमने वहां बटालिक के SHO बटालिक के साथ कांटेक्ट किया। तो उनकी टीम और हमारी टीम, हम शाम को गए गरकोन गांव में। तो हमने वहां देखा 2 सिनोलेपर्ड जो थे वो किसी काउ शेड में घुसे हुए थे। लेकिन हमें उस वक्त निकालने के लिए अंधेरा था, उस शेड में जो थे कोई खिड़की वगैरह नहीं थी, और उसके दरवाजे के लिए हमें किसी 2 कमरों से गुजर के उस कमरे में जाना पड़ता था। तो हमें उस वक्त निकालने की बड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो हमने उस वक्त कोई इनके इनको निकालने का कोई ये नहीं कि हम फिर सुबह सवेरे 8 बजे वहां चले गए। जब सुबह हम 8 बजे वहां चले गए तो वहां हमने देखा कि दोनों सिनोलेपर्ड जो थे वो वहीं बैठे हुए थे। तो हमने फिर निकालने के लिए उनको छत से एक बहुत बड़ा सुराख करना पड़ा, उस छत के 1-2 बल्ली को काटना पड़ा, और लोगों की भी काफी, पूरे गरकोन के लोग वहां जम हुए थे। तो हमें इनको निकालने में बहुत काफी प्रॉब्लम पड़ी, लेकिन हमें पुलिस टीम जो साथ थी उन्होंने हमारा काफी साथ दे दिया। तो जब हमने बहुत बड़ा सुराख किया, हमने नीचे देखा दोनों सिनोलेपर्ड बैठे हुए थे। तो हमें सुगंध निकालते वक्त बहुत चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। एक तो अपना सेफ्टी का देखना पड़ता है, दूसरा जानवरों को कोई नुकसान ना हो, किसी पब्लिक को नुकसान ना हो। तो इस तरह हमने आराम से इनको फिर फंदे के जरिए उनको एक एक करके बाहर निकाल दिया और इनको केज में लगा। बखूबी इलम है कि हमने ये स्नोलेपर्ट वगैरह आईबेक्स वगैरह बहुत पकड़ लिया, हमने कम से कम काफी तादाद में यहाँ लाए हैं। लेकिन इसके इस वक्त क्योंकि मार्च अप्रैल में ये ज्यादा नजदीक आते हैं गांव के अंदर, इसकी बड़ी वजह ये है क्योंकि ऊपर पहाड़ों में जो है काफी तादाद में बर्फ पड़ता है और जंगली जानवरों को खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है, तो नीचे आते हैं नीचे क्योंकि उनको बर्फ कम होता है। यहाँ तक कि स्नोलेपर्ड का मसला है, स्नोलेपर्ड जो हमेशा इन्हीं जंगली जानवरों के पीछे पड़ता है और ये भी नीचे आ जाता है इस वक्त सर्दियों के टाइम में। इसको जब कहीं कुछ नहीं मिलता है तो ये माल मवेशियों पर अटैक करने के लिए इसको गांव में आना पड़ता है। जहां तक कि जू का मसला रहा, अगर एक अच्छा जू बनाते तो बहुत अच्छा होता, रेवेन्यू आता, लोग जगह जगह से देखने के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ जानवरों की कोई कमी नहीं है। आप ब्राउन बियर देखो, स्नोलेपर्ड देखो, आईबेक्स देखो, हमारा शेफो देखो, वुल्फ देखो, फोकस देखो, काफी तादाद में पाए जाते हैं। अगर यहाँ जू होता तो डिपार्टमेंट को काफी रेवेन्यू आएगा।